ट्रैवलिंग टिप देना चाहता आपको मैं कि अगर आप कहीं पर जाते हो ठीक है घूमने फिरने के लिए अकेले या फिर दोस्तों के साथ में, सो एक चीज़ ऐसा ज़रूर करना कि अगर आप कहीं लोकल्स जो यहाँ पे मतलब जो दुकान वाले हैं शॉपकीपर्स है ठीक है, अगर लोकल्स है तो उनको उनके लोकल लैंग्वेज में बात कीजिए, थोड़ा लोकल यू नो ग्रीटिंग्स होता है वो थोड़ा सीख लो, अच्छा रहता है। अब मेरा पता है कैसा है कि मैं बहुत लोगों से घुल मिल जाता हूँ, ऊपर से मेरा जो लैंग्वेज है मालवनी जो मेरे गाँव का लैंग्वेज है और ये थोड़ा ऑलमोस्ट सेम है, लाइक 70-30 टाइप ऑफ है। सो मैं वो मालवनी में बोल रहा था, उन लोगों को समझ में आ रहा था, एंड जो कोकनी में बोल रहे थे मुझे समझ में आ रहा था। सो इट इज़ अ ग्रेट ट्रिक एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई दिस। और ये करने का फ़ायदा पता आपको क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा एंड कैसा ना कि अपनापन लगता है ठीक है। हमने लिटरली ना जो भी इधर पुलिस वाले पकड़ते हैं ना हमको बाइक के लिए हेलमेट के लिए लाइसेंस के लिए, हम उनको ये बोलते हैं आम्ही इंगाचे पोहे चर्च कड़े पायताल चर्च के पास जा रहे हैं, इतना बोल देने का अच्छा जाओ जाओ बच्चे जाओ काइंड ऑफ लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे लाइक ये सब चीज़ें है, सो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन द लोकल। गोवा का KFC देखो तो अभी इधर ही हम शैक्स में बैठे हैं। शैक्स मतलब ऐसी चीज होती है आज है 14th और मैं ऐसा बन के जा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि फॉर सेविंग बैग्स तो फिर मैं लेना था कि ऐसा अजीब सा कपड़ा पहनो जिसमें 3-4 कपड़ा एक और भी आ जाए ठीक है। सो ये ऊपर उसके अंदर ये उसके अंदर ये ठीक है, ये पैंट के अंदर अच्छा कच्चे के अंदर और कुछ। हम अभी चले हमारे 14th है, थोड़ा ये टफ दिन है आज शायद से। देखो मैं कितने कपड़े पहन के ऊपर से एक बैग और एक बैग मेरे अंदर और एक बैग लाल वाली दिख रही है आपको, तो ये यहाँ पे छाती में इतनी बैगें टांग के जा रहा हूँ जैसे लग रहा है मैं अपना व्हाट डू यू से वो होता है ना क्या कहते हैं उसको भूल गया साला सीट बेल्ट काइंड ऑफ लाइक वैसा पहन के जा रहा हूँ काइंड ऑफ लाइक दैट। सो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा दूर यहाँ से देखने के लिए कोई नई जगह पे एंड इट्स गोना बी फनी एंड हमें यहाँ पे चलाने का थोड़ा इशू है क्योंकि मुंबई की सड़क अड़क अलग है, यहाँ पे सड़क अलग है, चलाने का ना एक्सपीरियंस भी थोड़ा अलग है। अभी हम चाहते हैं देखते हैं आगे क्या क्या है। सो दिस इज वन ब्रेकफास्ट, यहाँ पे ब्रेड है अच्छा खासा ब्रेड है, यहाँ पे कोई सब्जी है अलग अलग, आई एम गोना ट्राई एवरीथिंग। ये बन है, ये ब्रेड है, गोवा के लास्ट वेगस एरिया में आए हैं जहाँ पे लाइक ना बहुत सारे टूरिस्ट हैं एंड मैं अभी आवाज़ निकालूंगा दिस इज हाउ यू टेक अवे द टूरिस्ट फ्रॉम द प्लेस। फॉर नॉट हैविंग लाइसेंस दिखाता हूँ आपको, गाइस आज नाग पानी का राइडर पकड़ा गया फाइनली और देखो कैसा होता है ना। सो कॉन्फिडेंटली हम लोग यहाँ पे फंस गए थे यार, ये कहाँ कहाँ से टर्न ले रही अचानक से यार। सो द थिंग इज जस्ट वांटेड टू से वन थिंग कि देखो कभी भी अपना लाइफ में कॉन्फिडेंस रखो ठीक है, और जिसका लाइसेंस लेके आया उसका पूरा डिटेल याद रखना। अच्छा इसको पता था नहीं बोले का एरिक फर्नांडिस नहीं आर्थर फर्नांडिस 29 अगस्त 1997 बर्थडे भाई बच गया ये शेट गाइस आगे को जो आप लोग भाई फंस गया आज होगा काम हमारा बट इट वाज गुड बच गए। आ प्लेस टुडे स्टे लारियोस गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो दिस इज होटल लारियोस, पीछे से देखो क्या भागा बीच का व्यू आ रहा है एकदम मस्त वाला।
सेक्सी सा व्यू है यहाँ पे। एंड अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा पूरा गैलरी टाइप है। एंड यहाँ पे जो है क्लीनिनेस बहुत ही अच्छा है, लिटरली पूरा साफ सफाई करके गए। एंड आई विल शो यू द बैक साइड ऑफ दिस। एंड अभी हम जाने वाले हैं स्विमिंग पूल के अंदर। गेट दिस गाइस, काफी मस्त एकदम गलियारा है इसका। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के आ रहे हो ना, उस वाले में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठ सकते हैं, इस वाले में बैठ सकते हैं एंड कॉफी वॉफी पी सकते हैं। एंड यहाँ पे पूरा है ना मीटिंग होता है ना किसी का ग्रुप में, वो हो सकता है अच्छा खासा। इट्स रियली गुड फॉर शूट्स एंड ऑल। एंड सामने ही आपको है ना ऐसा वाटर स्पोर्ट्स वाले मिल जाएंगे। एंड ये जो आपको बागा बीच करके दिख रहा है ना, सो इट्स रियली क्लोज बाय हियर एंड यू कैन जस्ट गो इन। एंड देन देयर इज अ क्लब ओवर देयर, वहाँ पे क्लबिंग होती है रात को मस्त वाली एकदम, सो वहाँ पे भी जा सकते हो। सो दिस इज लारियोस बीच हॉलीडेज रिजॉर्ट एंड लेट मी शो यू सम मोर प्लेसेस फ्रॉम हियर। हमने घिस घिस के पैसा कमाया, उससे पैसा उड़ा रहे। कितने का पड़ा है लीना? 500 रुपए एक। एक एक घूंट एकदम अच्छे से पीना भाई, मैं तो रिकॉर्ड कर करके पीऊंगा, आराम से पीऊंगा इसको एक घंटे तक। ये देखो नींबू निचोड़ रहा हूँ तो जेवियर की नजर ना लगे। तो ये है हमारा आलीशान घर, और इसमें सामने एक आलीशान सी ड्रिंक। यही हमारी नो अमीरों वाली हरकतें। सो ये क्या मजेदार मोहित है, मजेदार व्यू भी है और हमें वहां से लोग देख भी रहे हैं। हम जा रहे हैं पूल के पास, पूल दिखाता हूँ मैं कैसा दिखता है। एंड मैं गिरना था पीछे, सो देयर इज द पूल। अब पूल में जाऊंगा मैं, थोड़ा तैर के आऊंगा उसमें कैसा कैसा है करके। पहले ट्यूब लेके देखते हैं कैसा सीन है। ये देख पानी में डाल रहा हूँ फोन। एरिक निकालता हूँ तेरी फोटो पहले, इधर थोड़ा हाइट कम है, थोड़ा इधर जाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं अभी, बट स्टिल वी कैन रिक्वायर दिस एनी टाइम सून। सो यहाँ पे मैंने शावर तो लिया ही नहीं और सीधा चला गया पूल के अंदर। लेट्स सी हाउ फन इज। यहाँ पे देखो पीछे पूरा म्यूरल कहते हैं इसको, मोजार्ट म्यूरल, यानी कि वो टाइल्स ही बना के बनाते हैं। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। पानी बहुत ही क्लीन है यहाँ पे एंड पूल जो अच्छी बता चलता है। एंड बहुत सारे रूल्स भी है पूल के बारे में एंड यू हैव योर सेफ्टी इक्विपमेंट्स एज वेल जो आपको फ्लोट करने में हेल्प करेगा। एंड नाउ लेट्स गेट इट। अभी और होटल को देखते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। गहरा पूल, बच्चों को लाना मत, उनको यही पूल में डालना, खुद को भी आओगे। अगर 5 फुट का तो ये बता रहा हूँ, ये दिस इज 5 फीट 7 डीप वहाँ पे, और यहाँ पे जो 5.4 तक है, बहुत हैवी पूल था ये। अब थोड़ा और जाके देखते हैं अपने होटल को क्या क्या है। ये जो जगह है इसका कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा है एंड अभी जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग पता नहीं है, यहाँ से ज़्यादा बंद है। ओके वही स्विमिंग पूल के पास से। आई लाइक दी ऑरेंज कलर भाई, भाई इतना भी नहीं पसंद है, जैसा डायरेक्ट खुलता है। एंड यहाँ पे पीछे आपने स्विमिंग पूल तो देखा था जिसमें मेरे को आपने तैरते देखा था, अटेम्प्ट किया था तैरने का अटेम्प्ट पूरा नहीं हो पाया। एंड यहाँ पे मस्त एकदम कलरफुल जगमगाते हुए घर अच्छे खासे। सो चलो भी आगे बढ़ते हैं, हमने कर दिया बंद। कहाँ जाना है यहाँ पे? ओके हमारा 139-138 हाँ का क्लीनिंग हो गया, हाँ हो गया 8 30 30 हाँ फाइन फाइन फाइन
ओके सो रूम सर्विस वाले बड़े प्यारे हैं। सी दिस, लग रहा मूवी का सेट है होटल का। सो मैं ये भाई का होटल टूर निकाल रहा हूँ बेसिकली। बंद बंद करे भाई, कहाँ पे लगाए थे। सो हम अभी इसी रास्ते से जा रहे हैं आगे। भाई की बैटरी ख़त्म होने आई है। सो लुक एट दिस, ये भी होटल लारिसास है। लारिसो क्या था, नहीं क्या नाम होटल का। सो ये जो है इसके अंदर एक क्लब भी है, ठीक है। सो आपको और क्या चाहिए गाँव भाई, बीच है, क्लब है, वो भी होटल से अटैच। सो सीधा होटल से बाहर निकले हम और ये पहुँचे क्लब के अंदर। सो भाई साहब वाइब देखिए, क्या भारी वाइब है। ये जो है हमारा रूम वहाँ पे, ये दो ऊपर के लास्ट वाले दोनों। सो अभी हम यहाँ पे सोच रहे क्या डांस होने वाला है करके। सो ये जो है हमारा होटल रूम है, पीछे आपको दोनों दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ये हम लोग का करके एक तरह से हमारे दो BHK के दो रूम है। एंड यहाँ पे जो है पूरा होटल का कॉम्प्लेक्स है, लारिसास हॉलीडे रिजॉर्ट। सो ये है स्विमिंग पूल एंड एवरी अदर थिंग। बेस्ट पार्ट इज की इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू यू नो ड्रिंक ईट समथिंग लाइक दैट टू यू कैन कम हियर। एंड मतलब कैसा ना कि सब अटैच्ड है, आपका होटल भी है यहाँ पे, पीछे बीच भी है। सो आपको कहीं ज़्यादा घूमने फिरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। सो आइए यहाँ पे एंड और आपको दिखाता हूँ। अभी तो दोपहर का व्यू है, रात का व्यू, खाना वाना सब दिखाएंगे, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा जाऊँगा सोने के लिए। और यहाँ पे देखो भाई, AC भी एकदम तगड़ा, AC चालू। ओह सॉरी, AC चालू कर, मुझे बंद करना होगा ये, नहीं तो भाई क्या होगा पता नहीं। पता चला लाइक हवा बाहर जा रही है, सब ठंडी हवा खा रहे हैं। एंड यार मतलब क्या ही प्यारा जगह है यार, मतलब आई नेवर बिलीव कि मैं ऐसी जगह पे आऊँगा करके। एंड आ गया यहाँ पे एंड ये बेड भी बहुत सेक्सी है यार, लाइक कितना क्लीन। और हाँ यार एक बात है, इनकी होम सर्विस वाले जो है ना वो आ जाते हैं। पीछे आपको टेलीफोन दिख रहा होगा, जो आपने कभी ये जो इन्वेंशन दिख रही है आपको टेलीफोन नाम की, बहुत पुरानी इन्वेंशन है, आपने कभी देखा नहीं होगा। तो अगर आप देख रहे हो सो इससे आप कॉल कर सकते हो। एंड यहाँ से कॉल करके आपको समझ में आएगा कि लाइक आई मीन आपको खाना चाहिए, आपको रूम सर्विस चाहिए, रूम क्लीन करना है, लोग फटाक से आ जाएंगे, ठीक है। सो अभी जाते थोड़ा बाहर खाना पीना खाने के लिए एंड थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, तब तक के लिए भाई। सो हमने अभी खाना जो है वो ऑर्डर किया है, खाना आने तक एक बात कहना चाहता था यहाँ पे यार, जगह बड़ी प्यारी है, आई मीन लुक एट दिस, क्या चाहिए और भाई। Agape is never ending. तो ये हमारा खाना आज का। तो दोस्तों खा के हो चुका है और पीछे वाले लोग जो है ना, पीछे जो आवाज़ कर रहे हैं, उन्होंने 39 कुछ मैग्नम बडवाइजर कुछ तो होता है वो मंगा लिया, 39 बॉटल्स। हम देख मेरे को कुछ पता नहीं, आपको कुछ आइडिया रहेगा तो आप अंदाजा लगा लो जो भी है गोवा के हिसाब से। एंड यार क्या ही जगह है, मतलब कभी बोलते ना सर टीवी पे देखते थे ना, आज सही वक्त साथ में हो रहा है। सर मैंने जितनी कर जिंदगी में ये ऐसा आपका दिन दिया है। तो ये जो है हमारा होटल का कैफे कम रेस्टोरेंट है। एंड ये जो आपको दिखा रहा हूँ सामने, मैं बीच पे जा रहा हूँ अभी। तो
हमारा होटल भी देख लीजिए पीछे। सो दिस इज हाउ वेयर वी केम फ्रॉम, जस्ट एट द बीच टच होटल। इसका फायदा ये है कि आप कभी बीच में आओ, कभी भी जाओ, आपके लिए पूरा रहेगा ना, सामने से खाली रहता है। तो दोस्तों आज मैं पानी के साथ कबड्डी खेलने आया हूँ यहाँ पे, तो हम पानी को छू के भागेंगे जब तक पानी रहता है ना। मैं हार गया इस गेम में, तो पानी ने चीटिंग किया मेरे साथ पे, पीछे पूरा ट्रुप लेके आता है ये। दिस इज रॉन्ग यार, आई डोंट वांट टू बी हियर, मैं जा रहा हूँ घर पे, मैं जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम जो गए थे वो होटल हमारे नीचे ही है यहाँ पे, देखो वो कैफे जो था। बट होटल का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? लुक एट दिस गाइस, सनसेट व्यू मिलता है यहाँ पे भाई, और क्या चाहिए। फुल एकदम सेक्सी सा गोवा के बीच पे सनसेट आपको देखने मिलेगा, आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा सेक्सी है। अब मेरी शक्ल छोड़ दो, ये देखो यार क्या सन लग रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। सो देखिए गाइस सनसेट भाई साहब, अभी गोवा का सनसेट देखने मिलेगा होटल से, इज दैट क्रेजी। तो गाइस अभी आपने सनसेट देखा, अभी देखोगे हमारी रूम का टूर। ओके सो ये है हमारा वो रूम जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी। ओके तो हमारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, लेकिन लुक एट द रूम यार गाइस, क्या ही एकदम रॉयल सा फील आता है, रॉयल ब्लू कलर यार भाई। एंड यहाँ पे ये आपका वॉशरूम, लेट मी जस्ट टेक यू इन, थोड़ा सा देख लो, फुल एकदम लग्जरियस वॉशरूम है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे टेलीफोन भी दिया ताकि आप रिसेप्शन कॉल कर सको। एंड देन यू द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, ओके द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट, टू बेस्ट पार्ट्स, फर्स्ट इज दिस ड्रॉअर फॉर एवरीथिंग, यू कैन कीप योर थिंग्स सेफ। देन देयर इज अ मिनी फ्रिज एज वेल, अगर आप पीने वाले बंदे हो, खाने वाले हो, तो भाई इधर आके स्टोर कर दो। ओके एंड देन दे गिव यू अ बिग साइज मिरर व्हिच इज लुकिंग डैम क्रेजी, टीवी तो है ही हर जगह पे, बट ये देखिए भाई, ये इज़न्ट दैट क्रेजी इनफ। एंड देन आपको तो मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये बड़े बड़े पर्दे हैं, पर्दे से आप लेकिन जस्ट ओपन दिस थिंग, यह निकल जा भाई, ये निकल चुका है। एंड ये देखो व्हाट अ व्यू, यहाँ पे बैठ के चिल मार सकते हो, काइंड ऑफ लाइक दैट। सो ये था हमारा रूम टूर है भाई, रूम काफी ठंडा है, देखिए हमारी एसी जो है ना वो 16 पर है, इधर ये देखिए। सो अभी हम चले हमारा बाकी का जो शूट है वो करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बाकी का शूट करने के लिए, लेकिन रूम कैसा लगा गाइस कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको रूम, आई मीन दिस इज क्रेजी एस रूम गाइस सीरियसली। एंड अभी हम चलते हैं थोड़ा अपना शूट करने के लिए, अभी लाइट कैसे बंद करना है और आई थिंक वो कुछ ऑटोमेटिक लाइट्स रहती है जो दरवाजा बंद होने के बाद बंद हो जाती है। नाउ लेट्स गो आउट एंड चेक इट आउट। तो हमारे होटल का एक शैक है, शैक मतलब छोटी जगह जहाँ पे शैक है, वहाँ पे हम लोग जाके अभी वीडियोस निकालेंगे। सो दोस्तों ये देखिए सुबह सुबह का व्यू एकदम मस्त सा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे व्हाइट सैंड वाली बीच है, एक्चुअली व्हाइट नहीं है, हाँ ये कलर है इसका, क्योंकि थोड़ा लाइट मेरा ऊपर नीचे होता है आईफोन में। सो गाइस जस्ट वांटेड टू से दैट कि बहुत ही मजा आया रात भर सोने के लिए, एंड मतलब एसी भी एकदम तगड़ा, फुल एकदम मस्त नींद आई, और ऊपर से जो बेड था एकदम कंफर्टेबल, मतलब एकदम स्पंज जैसा बेड, ऊपर से जो इसका चादर वादर था वो एकदम मस्त एकदम क्लीन सा। एंड देन वी स्लेप प्रॉपरली आफ्टर दैट, ये सुबह जो उठा तब मैं मुझे छोटे छोटे दो एक छोटी सी बाटली थी, इतनी सी थी शायद से, शॉर्ट्स की नहीं थी, वो थी शैम्पू की बॉटल और एक गोल सा ऐसा क्यूट सा दिखने वाला साबुन था। सो मस्त था वो भी अच्छा खासा, एंड नहा धो के मस्त फ्रेश होके अभी मैं जा रहा हूँ अपना दूसरा काम करने के लिए। सो तब तक देखते और क्या क्या, हम आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की और कुछ। ख़त्म हो गया हमारा स्टे यहाँ पे, मस्त था। एंड ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है होटल कम सोसाइटी होटल्स की, तीन तीन होटल है, एक यहाँ पे पीछे एक रेड वाला है और आगे एक जो है वो ग्रे वाला है। सो तीन विंग्स है ABC, एंड तीनों में सेम काइंड ऑफ बड़े बड़े रूम है अच्छे खासे। सो मेरा तो फेवरेट था वो बी वाला, 139 था, 38 नहीं, मेरे को 38 तो पसंद नहीं आता, 39 वॉज रियली ग्रेट, बट 38 वॉज लाइक हाँ सो गया अच्छा खासा मैं। द थिंग इज़ फॉर मी व्हाट आई बिलीव इज़ कि यहाँ पे होटल में आया तो ना घर जैसा फील हो, तो ऐसा घर जैसा ही फील होता है, बिकॉज आपके पास देखो यहाँ पे आपके काम करने के लिए आपके पास ना लोग आते हैं, रूम सर्विस वाले हैं, पर से अदर पीपल आर देयर लाइक हू हेल्प यू आउट देयर, सो एनी टाइम यू कैन जस्ट कॉल दैट रिसेप्शन एंड ऑल, सो दैट यू डोंट फील अलोन, एंड दैट्स अ
ग्रेट थिंग अबाउट द होटल। एंड मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ना, ये म्यूरल लगा पीछे, देख रहा आपको ये, सो दैट म्यूरल इज द बेस्ट पार्ट एंड विद द स्विमिंग पूल इट्स रियली ग्रेट। सो अभी हम जाते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो दूसरों के लिए कभी गोवा हो गए, ठीक है, आपके दोस्त अगर कहीं गोवा जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये वीडियो शेयर करना ताकि इस होटल में आ सके और एंजॉय कर सके पूरा टाइम। एंड ये जो है, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। सो टिल देन कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, एंड इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट द होटल, नीचे मैंने इंस्टाग्राम लिंक दिया है होटल का, फ़ोन नंबर दिया है, उस पर आके बात कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।